अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम है कासिम सिद्दीक और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका नाम है ऑल अबाउट ऑनलाइन अर्निंग्स। तो दोस्तों, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप मेरी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं, उनमें मैंने बहुत ज़्यादा अपनी पेमेंट के प्रूफ और ट्रिक्स बताई हैं। तो दोस्तों, वीडियो जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करूँगा, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों को बहुत से लोग पूछते हैं कि काम कैसे करते हैं, तो काम करने के हवाले से, तो दोस्तों जब आप अपनी एप्लीकेशन पर काम करते हैं तो दो चीज़ें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका VPN, उसकी हिस्ट्री आपने सबसे पहले क्लियर करनी होती है काम करने से पहले। उसके बाद होता है आपकी एप्लीकेशन, उसकी हिस्ट्री आपने क्लियर करनी है, और उसके बाद होती है आपका ब्राउज़र जिसमें कि आपका एक ऐड खुलता है। तो अब भाई वो प्रोसीजर ये है ICPC के लिए, जो मैं काम करता हूँ वही मैं आपको बताऊँगा कि आपने VPN खोल लेना है और जो कंट्री आपने जिससे क्लिक करना है वो कंट्री आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, तेज़ तेज़ आपके सामने करूँगा जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, आप बोर ना हो। यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लेते हैं, ICPC वाली यही कंट्री है, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, नेदरलैंड, सिंगापुर वगैरह। तो दोस्तों ये कनेक्ट हो चुका, अब हमने अपनी एप्लीकेशन खोल लेनी है। इस एप्लीकेशन को मैंने ऐसे डिज़ाइन किया कि जैसी एप्लीकेशन खुलती है तो सामने एक ऐड खुद ब खुद खुल जाता है। तो दोस्तों अभी ये देखें, आपके सामने ऐड खुल गया। ICPC के लिए दोस्तों ट्रिक यही है कि जो सबसे पहला ऐड है आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि शुरू में जो एड्स होते हैं उनको जो है वो क्लोज़ करते रहते हैं और आखिरी ऐड पे जाके क्लिक करते हैं। तो ये सिस्टम समझ लें कि जितना पहले ऐड आएगा सबसे पहले उसकी CPC उसका रेट उतना ही ज़्यादा हाई होगा। तो ऐड पे आप क्लिक कर चुके हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है कि किसी न किसी लिंक में वैसे ही क्लिक कर देना है, ताकि सर्वर को ये फील हो कि इस बंदे ने वैसे ही ऐड पर क्लिक नहीं किया, इसको ऐड में कुछ दिलचस्पी थी, ऐड ने इसको इम्प्रेस किया तो ये यहाँ पर आया। तो इस तरह जो है वो आप इनवैलिड एक्टिविटी या इनवैलिड क्लिक जिसे कहते हैं उससे भी बचे रहेंगे। तो तकरीबन 40 से 50 सेकंड यहाँ पे सर्व करने के बाद आपने इस ब्राउज़र को बंद कर देना है। दोस्तों अब आपने करने हैं क्लोज़ इस एक ऐड के बदले में, आपने तकरीबन 40 से 50 एड्स क्लोज़ करने हैं, ताकि आपका जो CTR है वो नॉर्मल रहे। CTR में पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, उससे पहले काफ़ी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि एक क्लिक के बदले में मिनिमम आप जो है वो 50 एड्स जो है वो क्लोज़ करें, ताकि जो आपका CTR है वो जो है वो 2% से हरगज़ किसी भी कंट्री का किसी भी दिन का बढ़े ना, ताकि आपका जो है वो अकाउंट जो सेफ जोन में रहे और आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो, और ना ही इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से आपका जो है वो जो डिडक्शन महीने के आखिर में फाइनलाइज होती है अर्निंग तो होती है। तो दोस्तों बस ये प्रोसीजर था, आपके सामने मैंने क्लिक की है तो इसी तरह क्लिक करते हैं, यही तरीका है, यही काम करने का तरीका है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है, बस VPN आपने अच्छा सा यूज़ करना है, क्योंकि बाद अवत VPN ऐसे होते हैं कि जो आपके सामने कंट्री को कनेक्ट तो करते हैं लेकिन दर हकीकत वो कनेक्ट नहीं होते, या और कंट्री का दिखा के और कंट्री से कनेक्ट होते हैं। तो काम ख़त्म कर लेने के बाद आपने लाजमी हर सूरत में जो है वो अपनी ऐप्स जो आपने यूज़ की हैं उनका डेटा क्लियर कर देना है, उनकी हिस्ट्री क्लियर कर देनी है, ताकि जो है वो नेक्स्ट टाइम जब आप ऐप यूज़ करें तो सर्वर को ये फील ना हो कि बंदे ने इसी डिवाइस से जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ कैसे यूज़ किए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कीजिए वीडियो के बारे में, वीडियो को लाइक कर दीजिए या डिसलाइक ही कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।